PhD Chamber of Commerce Industries के 117 एनुअल कॉन्फ्रेंस में चेंबर के प्रेसिडेंट श्री प्रदीप मुल्तानी जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री साकेत डालमिया जी, वाइस प्रेसिडेंट श्री संजीव अग्रवाल जी, चीफ एग्जीक्यूटिव और कार्यकारी अधिकारी श्री सौरभ सांदेल जी, मैं आज चेंबर ऑफ कॉमर्स के एक लंबे इतिहास जिन्होंने अंग्रेजों के शासन को देखा, फिर आजाद भारत को देखा और फिर बदलते भारत की तस्वीर को देख रहे हैं, एक लंबा अनुभव, दीर्घकालीन सोच और किस तरीके से आपके प्रयासों से भारत में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन हुए, उसके योगदान के लिए वर्तमान और भूतपूर्व सभी पदाधिकारियों को और चेंबर्स के 1,50,000 से ज्यादा मान्य सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने प्रयासों से देश के राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग दिया। आज विशेष रूप से उन पुरस्कार विजेताओं को, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, अन्य सेक्टरों के अंदर सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, कॉर्पोरेट के माध्यम से लोगों के रोजगार सृजन, नया इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी और लोगों के जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए जिन इंडस्ट्री सेक्टर ने, सर्विस सेक्टर ने अपना कंट्रीब्यूट दिया, उन सबको आपने पुरस्कार दिया और विशेष रूप से पुरस्कार की जूरी जो थी, दवा साहब और हमारे कोटा में जिनकी इंडस्ट्रीज है, आलोक श्रीराम जी, उन्होंने बताया कि हमें कितनी मशक्कत करनी पड़ी और किस किस तरीके से इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर नए इनोवेशन सेक्टर के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और उसमें से चयन करना एक कठिन काम है, लेकिन उन्होंने जो चयन किया, उन सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, उनके गए प्रयासों से उनको कार्य करने की नई प्रेरणा मिलेगी और इंडस्ट्री सेक्टर के लोगों को भी नई दिशा मिलेगी, नई प्रेरणा मिलेगी, ताकि वह भी अपने अपने क्षेत्र में और उत्कृष्ट कार्य, सेवाएं, इनोवेशन से आने वाले समय में पुरस्कार प्राप्त करें। आज का विषय हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और विशेष रूप से 2047 जब आजादी का शताब्द वर्ष होगा तब भारत कैसा होगा, ये चर्चा इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर चर्चा करना और भारत के, नए भारत के निर्माण का एक ब्लूप्रिंट बनाने की योजना बनाने का विचार करना, उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
लेकिन साथ ही मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को भी साधुवाद देता हूं जिन्होंने नए भारत को बनाने के लिए 25 वर्ष के विजन से काम करने के लिए देश को दिशा देने का काम किया और एक संकल्प देश के 130 करोड़ जनता का उस लाल किले के मैदान से कि 2047 जब आजादी के 100 साल हो तो भारत दुनिया का विकसित राष्ट्र बने। एक संकल्प संकल्प के साथ सिद्धि सिद्धि के साथ विजन और विजय के साथ संपूर्ण देश के लोगों को अलग अलग सेक्टर के अंदर अलग अलग विषयों पर काम करने वाले सभी लोगों को सकारात्मक ऊर्जा देना ये एक परिपक्व नेतृत्व की निशानी है। हमने आजादी के इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर हमने एक नई प्रगति की खुशहाली की। हमारी इस 75 साल की लोकतंत्र की यात्रा निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण थी क्यों आजादी के बाद जो भारत था उस भारत के अंदर हम किस तरीके से समाज के गरीब वंचित अभाव में रहने वाले लोगों की जिंदगियों को बेहतरीन कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में काम कर सकें और उसके साथ साथ दुनिया के परिप्रेक्ष्य में साथ चलते हुए हमारी चुनौतियां गंभीर थी लेकिन उस गंभीर चुनौतियों के बाद भी हमने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से संवाद से चर्चा से सामूहिकता के साथ मिलकर इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने काफी कुछ प्रगति की है। लेकिन अब ये दशक इस दशक में एक नई दिशा देने का काम हमने किया, नए विजन के साथ काम करना और बदलती दुनिया के परिप्रेक्ष्य में नई टेक्नोलॉजी नया इनोवेशन नया रिसर्च और नए औद्योगिक विकास की ओर काम करना। ये बात सही है कि पहली औद्योगिक क्रांति दूसरी औद्योगिक क्रांति और तीसरी औद्योगिक क्रांति में देश आजाद तो हो गया था लेकिन चुनौतियां बहुत थी। लेकिन नई जो औद्योगिक क्रांति चौथी है वो भारत के लिए आकांक्षाएं भरी हुई है। भारत की जनता की आकांक्षाएं अपेक्षाएं जहां सामाजिक परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन की है वहां दुनिया के अंदर हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता उनका अद्भुत ज्ञान उनकी नई सोच नया विचार तकनीक से पूर्ण रूप से परिपक्व हमारा नौजवान किस तरीके से दुनिया के अंदर नेतृत्व कर सकता है इस चुनौतियों से भारत का नौजवान लड़ रहा है। और मुझे आशा है कि मैं दुनिया के जब देशों में जाता हूं तो मुझे खुशी होती है कि विकसित राष्ट्र के अंदर भी उस देश के अंदर चाहे तकनीकी हो चाहे विज्ञान हो चाहे प्रोफेशनल सेक्टर के अंदर डॉक्टर हो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो पेशेवर काम करने वाले लोग हों दुनिया की बड़ी कंपनियों में नेतृत्व करने वाले हमारे नौजवान हो वो भारत के लोग हैं भारत के नौजवान हैं।
इसलिए हमें गर्व होता है कि उस विकसित राष्ट्र के अंदर भी अगर उस देश के अंदर योगदान है तो भारत के नौजवानों का है। आने वाले समय के अंदर हम इन भारत के नौजवानों को हमारे देश में हमारी शिक्षा पॉलिसी जो नीति रही थी, हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर कहीं ना कहीं एक दौर था कि हम मस्तिष्क रूप से तो डेवलप कर रहे थे, लेकिन हम कई इनोवेशन रिसर्च विज्ञान के सेक्टर के अंदर हमारे जो विश्वविद्यालय थे वह कहीं ना कहीं दिशा की ओर काम नहीं कर रहे थे। लेकिन अब भारत में नई शिक्षा नीति के अंदर हमने इस दिशा की ओर काम करने की योजना बनाई। दुनिया के अधिकतर विकसित राष्ट्रों के अंदर जो वहां के विश्वविद्यालय हैं, उनके कैंपस हैं, उसमें शिक्षा के साथ साथ रिसर्च विज्ञान टेक्नोलॉजी इनोवेशन उनके साथ समकक्ष चलते गए, तो हर चुनौतियों का समाधान वहां के विश्वविद्यालयों ने निकाला। लेकिन हमें गर्व है कि आज भारत के अंदर हमारे वही नौजवान जो 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न और आज विश्व की चुनौतियों का समाधान निकाल रहा है तो भारत के नौजवान निकल रहा है। क्योंकि आप बहुत इंडस्ट्री सेक्टर सर्विस सेक्टर से जुड़े लोग हो, आप देख रहे होंगे किस तरीके से आज दुनिया के अंदर अगर आगे बढ़ना है तो हमें रिसर्च इनोवेशन में नई चुनौतियों को समाधान करने का रास्ता देना होगा। हमें बदलती दुनिया के अंदर अब क्योंकि तकनीकी ने कहीं ना कहीं सारे विश्व को एक कर दिया है, इसलिए किसी भी विश्व के अंदर जो भी वहां पर राजनीतिक सामाजिक विज्ञान के अंदर जो कुछ भी परिवर्तन होता है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं सभी देशों के अंदर पड़ता है। और इसीलिए बदलती परिस्थितियों के अंदर भारत ने इस दिशा की ओर काम करने शुरू किया है कि हम हर सॉल्यूशन का हल भारत में निकाले, हर चुनौतियों का समाधान भारत में निकाले। और हमने इस नए बदलते परिप्रेक्ष्य में देखा है कि विश्व कोविड महामारी के समय किसी समय में जितने भी वैक्सीनेशन होते थे कई दुनिया के विकसित राष्ट्रों के रिसर्च और इनोवेशन के परिणाम निकल कर आते थे, लेकिन हमने उस कोविड की चुनौतियों के अंदर हमारा वैक्सीनेशन बनाया, हमने हमारी दवाइयां बनाई। और हमारा वैक्सीनेशन ऐसा नहीं कि भारत के अंदर विश्वास का, दुनिया के अंदर अधिकतम देशों के अंदर भारत की वैक्सीनेशन की मांग रही और उसकी विशिष्टता रही, ये भारत की नई समर्थ ताकत शक्ति है। और इसीलिए आप सब इंडस्ट्री सेक्टर के लोग हैं, मुझे अभी बताया कि पीएचडी ने किस तरीके से नए रिसर्च सेंटरों को बनाने का काम किया है, सभी इंडस्ट्री सेक्टरों ने मिलकर सामूहिकता के साथ कि हम किस तरीके से हमारे चैंबरों के अंदर एक सामूहिकता के साथ नए रिसर्च नए इनोवेशन नए बदलती परिस्थिति के अंदर जो दुनिया की बेहतरीन तकनीकी है उस तकनीकी का उपयोग हम करें। क्योंकि अगर किसी देश और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें मैन्युफैक्चरर्स का तो हब बनाना ही है, और मैन्युफैक्चरर्स के अंदर भी हमें एक्सपोर्ट का हब बनाना है। इसलिए मेक इन इंडिया का मतलब है कि दुनिया के अंदर भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी मेक इन इंडिया की प्रमाणिकता विशिष्टता हो, और वह सब आप लोगों को करना ही आप लोगों पर जिम्मेदारी है। और मुझे भरोसा है यहां के लोगों का, आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, आईटी के सेक्टर के अंदर भारत की कंपनियां उन विकसित राष्ट्रों के अंदर नेतृत्व करती मिलेगी। आप फार्मा के सेक्टर के अंदर चल जाएं,
जो विशिष्टता, जो प्रमाणिकता हमारी दवाओं की, और दुनिया के अधिकतर देशों के अंदर हम हमारी दवाएं सप्लाई करने का एक बड़ा मैन्युफैक्चर हब भारत को बना रहे हैं, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर चले जाए, कंट्रीज चल जाए। जब लोकसभा के स्पीकर के रूप में मैं जाता हूं और वहां पर जब हम स्पीकर कॉन्फ्रेंस में चर्चा करते हैं, तो एक कॉन्फ्रेंस में अफ्रीका के जितने भी कंट्री के स्पीकर थे, उन्होंने एक मत से कहा कि भारत की दवा प्रमाणिकता, विशिष्टता, सस्ती है, यह हमारी ताकत बनती जा रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर चले जाएं, जितने भी विकसित राष्ट्रों के अंदर, चाहे ऑटोमोबाइल के सेक्टर के अंदर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हो, उस एग्रीकल्चर सेक्टर के इक्विपमेंट भी भारत बड़ा हब बनता जा रहा है। इसी तरीके से डिफेंस के अंदर चले जाएं, आज डिफेंस सेक्टर के अंदर किसी समय भारत 70% 80% इंपोर्ट करता था, आज भारत अपनी आवश्यकताओं को 70-80% पूरा कर रहा है। लेकिन जिस विजन के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, आने वाले समय के अंदर डिफेंस के अंदर भी एक्सपोर्ट के रूप में भारत एक बड़ा हब बनेगा। और ये इसका कारण है कि हमारे राज्य और केंद्र सरकार की नीतियां, पॉलिसी, टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्यों के अंदर भी जो मनोभाव परिवर्तन हुआ है। किसी समय राज्य में जब इंडस्ट्री सेक्टर के लोग जाते थे तो उनको अलग दिशा से देखा जाता है, आज जितनी भी राज्य सरकारें हैं कहीं ना कहीं ये विचार कर रही है कि अगर हमें आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन करना है तो हमें इंडस्ट्री और सेक्टर, सर्विस सेक्टर को ग्रोथ करना पड़ेगा, उनको यहां स्थापित करना पड़ेगा। और इसलिए राज्यों में भी अब प्रतिस्पर्धा है कि अपने अपने राज्यों में किस तरीके से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दें, वन विंडो सिस्टम दें, और किस तरीके से इंडस्ट्री लगाने आने वाली परेशानियों, तकलीफों को कम करने का काम, एक सॉल्यूशन देने का काम करें। और इसी प्रतिस्पर्धा के कारण हर राज्य अपने यहां इन्वेस्टर एक्सपो करता है, बुलाता है इंडस्ट्री सेक्टर को, लोगों को बुलाता है कि हमारी नीतियां, पॉलिसी अच्छी है। ये प्रतिस्पर्धा संघीय ढांचे के अंदर बहुत अच्छी है और इसके बेहतर परिणाम आने वाले समय के अंदर आएंगे। इसलिए बदलती दुनिया के अंदर आपने जो विषय रखा है वो इसे इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 2047 के अंदर, अभी मुझे लगता है कि कुछ सेक्टरों के अंदर ही हम एक्सपोर्ट की ओर बढ़ रहे हैं, हमें और दुनिया के अंदर दुनिया की भारत की आवश्यकताएं और भारत के साथ दुनिया की आवश्यकताओं को देखते हुए हमारे चैम्बर में इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि हम किस किस सेक्टर के अंदर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और दुनिया किस तरह बदलती परिस्थितियों में दुनिया के अंदर किस तरीके की वस्तुएं या सेवाओं की पड़ेगी, उसके आधार पर हम प्लान बनाएं, योजनाएं बनाएं और एक रोड मैप बनाएंगे तो दुनिया के अंदर बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर जो वहां की नई आज दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी में हो सकता है कि कुछ देश हमसे आगे हों, लेकिन उन टेक्नोलॉजी के अंदर भी भारत अब नए परिप्रेक्ष्य के अंदर आने वाले समय में टेक्नोलॉजी, विज्ञान और रिसर्च में भारत अपनी एक नेतृत्व करने की क्षमता विकसित हो रही है, केवल हमारी कार्यकुशलता को बेहतरीन करने की आवश्यकता है। और इसलिए आप सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा कि हम हमारे जो निकलने वाले नौजवान हैं जिनकी बौद्धिक क्षमता अद्भुत है, वह भारत के अंदर काम करें, उनको हम उचित प्लेटफॉर्म दें, उनको रिसर्च करने का प्लेटफॉर्म दें, इक्विपमेंट दें, संसाधन दें और चुनौतियों के बारे में जानकारी दें, तो हम अगर इस सेक्टर के अंदर तमाम सेक्टरों के भविष्य को देखते हुए भारत की आवश्यकताएं और विश्व की आवश्यकताओं पर हम काम करने लगेंगे तो हम एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बना पाएंगे, मैन्युफैक्चर बना पाएंगे और उसके बाद सर्विस सेक्टर के अंदर भी हम काम करेंगे। लेकिन जितना मैन्युफैक्चर और इंडस्ट्रीज का काम है उतना ही
आज बड़ा सेक्टर सर्विस का सेक्टर भी बहुत बड़ा बनता जा रहा है, इसलिए हमें दोनों सेक्टरों पर काम करने की आवश्यकता है और मुझे आशा है इस दिशा के अंदर आप लोग काम कर रहे हैं, जिसके कारण आज बेहतरीन परिणाम है। आपने सोच बनाई, विचार बनाई है 2047 की एक लंबी कार्य योजना पर आप काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसके बेहतरीन परिणाम आएंगे और हम दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्ट हब बनेंगे, क्योंकि दुनिया भारत की ओर देख रही है, भारत में आकर्षण करने की क्षमता है। और जितने बदलते परिप्रेक्ष्य में, आर्थिक रूप से परिप्रेक्ष्य में जो बदलते भारत की तस्वीर है, उसके अंदर इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े हब के रूप के आज भारत बेहतरीन डेस्टिनेशन भारत दुनिया को दिखता है, और ये हमारे लिए एक अवसर है कि इस अवसर का लाभ उठाकर हम किस तरीके से एक नई सोच के साथ काम करने का काम कर सके। इसी के साथ साथ सर्विस सेक्टर के अंदर आप चले जाएं कि आज हमारा मेडिकल का सेक्टर ले लें, मेडिकल टूरिज्म ले लें, आज अरब देश से लेकर आसपास के जितने भी देश के लोग हैं वो सारे देश के लोग यहां पर इलाज कराने आते हैं। अगर हम इस मेडिकल टूरिज्म को भी डेवलप कर दें तो हमारे यहां सबसे सस्ता इलाज, विशिष्टता का इलाज, प्रमाणिकता का इलाज, दुनिया में कहीं इससे बढ़िया चिकित्सा बेहतरीन सुविधाएं नहीं है। केवल उस चिकित्सा व्यवस्था के अंदर हम नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते जाएं, और इसलिए चाहे हम मेडिकल टूरिज्म ले लें और भारत की विविधताएं और विविधताओं की हमारी ताकत, हमारे पर्यटन के क्षेत्र को, जितने पर्यटन की संभावनाएं भारत में है दुनिया में उतनी संभावनाएं कहीं नहीं है, इसलिए हमारे भारत के अलग अलग सेक्टरों को हम किस तरीके से दुनिया को बता सके कि भारत में जितनी विविधताएं हैं उतनी हमारी ताकत सामर्थ्य शक्ति है। और उस सबसे मैं कह सकता हूं कि टूरिज्म, पर्यटन और जो सबसे बदलते परिप्रेक्ष्य में टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर में तो आज भी हम नेतृत्व कर रहे हैं, आने वाले समय में और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई टेक्निक का अधिकतम उपयोग करें, हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता को एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर दे, अच्छे विश्वविद्यालय खोले, महाविद्यालय खोले, टेक्निकल कॉलेज खोले, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, उत्कृष्ट शिक्षा के साथ उनको इनोवेशन रिसर्च करने के संसाधन उपलब्ध कराएं ताकि वो एक बेहतरीन परिणाम दे सके। मुझे आशा है कि आप सबने जो जिस विजन से आपने काम करने का संकल्प लिया, जो आत्मविश्वास आप में है, ये संकल्प सिद्धि की ओर बढ़ेगा। आपका आत्मविश्वास, आपका जनून, आपकी कार्य करने की क्षमता, कठोर परिश्रम, मेहनत, ये निश्चित रूप से नए भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान आपका रहेगा, क्योंकि दुनिया के अंदर किसी भी देश को विकसित राष्ट्र बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहता है तो वो इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर का रहता है, क्योंकि आप अलग अलग सेक्टर के अंदर एमएसएमई सेक्टर से जुड़े लोग हों, जिसके अंदर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज से आपने बड़े सॉल्यूशन देने का काम किया है। मुझे आशा है कि जिस तरीके से हमारा एमएसएमई सेक्टर बढ़ रहा है, आने वाले समय के अंदर सारी दुनिया के अंदर एमएसएमई सेक्टर हमारे सप्लाई चेन का सबसे बड़ा हब बनेगा, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में ले लो, चाहे कृषि के क्षेत्र में ले लो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, चाहे मशीनरी के अंदर ले लो, कोई सेक्टर नहीं, दुनिया के अंदर हम ही सबसे आगे रहेंगे, यही हमारा संकल्प है। हम ही बदलते परिप्रेक्ष्य में दुनिया को हर चुनौतियों का समाधान देने की ताकत भारत में है। इसी संकल्प के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, और जो विजन आपने रखा है इसके लिए मैं आपको सदर से साधुवाद देता हूं। भारत का लोकतंत्र, भारत की संसद आपके इन प्रयासों में आपके साथ है। जो कुछ भी आपकी कठिनाइयां, समस्या होगी, उनको संसद में चर्चा होगा, संवाद होगा, और बेस्ट चर्चा और संवाद से हम अच्छा समाधान निकाल सकें, यही हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। इस 75 साल की लोकतंत्र की यात्रा में हमने हर चुनौतियों का समाधान चर्चा संवाद से निकाला है, और चर्चा संवाद से जो मंथन से जो अमृत निकलता है उससे समाज का कल्याण होता है।
हम सब समाज के कल्याण के लिए हैं, हमारा सबका प्रयास है लोगों की जिंदगी बेहतर हो, लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो, और आर्थिक रूप से और बेहतरीन जिंदगी का अगर कोई काम कर सकता है तो वो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के लोगों के कारण हो सकता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।